छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हाँ, ये चीनी भी लिख ली, और कुछ रह तो नहीं गया? वो बर्तन धोने का सामान भी मंगवा दीजिए। क्या? अरे अभी 2 महीने पहले ही तो मंगाया था बर्तन धोने का साबुन। क्या हो गया बेगम, बर्तन धोने का सामान है, कोई हवाई जहाज नहीं कि साला साल चलेगा। बस बस, बहुत फजूल खर्ची करने लगे हैं आप लोग। ठीक है, कल से फिर गंदे बर्तनों में खाना खाइएगा भाई। बस बस, ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जाइए और जाकर 100 लेकर आइए, ये लीजिए। बेगम वो लड्डू को भेज दें आप। क्यों, लड्डू से क्यों? आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? नहीं नहीं, मैं खाना पका रहा हूँ ना, अब मैं सामान लेने जाऊंगा तो वो जल जाएगा खाना, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ ये तो है। लड्डू, लड्डू आया भाभी जी। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? कभी भी ना एक आवाज पर नहीं आते हो तुम। मम्मी जी 2 पे तो लाजमी आता हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो, ये सामान की लिस्ट है, सारा सामान लेकर आना, और इस पूरे सामान की ना रसीद भी चाहिए मुझे, लेकर आना। पैसे लो। मम्मी जी उधार पे तो देंगे ही नहीं। जी रसीद जरूरी चाहिए, अब खांचे नहीं लगाने दूंगी मैं। हाँ चलो जाओ। जी 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 समझ गया, अभी लेके आता हूँ मम्मी जी। खांचे लगाने का शौक है इनको, रसीद लेके आना। रसीद क्यों? अच्छा रसीद क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, उठिए जाइए किचन में, बस बैठे आराम फरमा रहे हैं। हाँ हो जाऊंगा, जाइए। जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कोई सखी, सखी जो है जो बाबा की मदद कर दे, कोई 4-5 हजार रुपए की मदद कर दे। ए मेरा बच्चा। अरे हटो यार बाबा, यहाँ मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, आपकी क्या मदद करूँगा? बच्चा मुझे एक दिन के लिए अपने घर में जगह दे दे, तुझे मैं ऐसी जबरदस्त जादू की अंगूठी दूंगा। अरे माफ करो बाबा, माफ करो बाबा, एक मिनट यहाँ रुकना, ठीक है? जाना नहीं, समझो तुम्हारा काम हो गया। कबर में जाएंगी, क्या करेंगी? 500 रुपए का मैंने नहीं बंट। लड्डू मियां बड़े गुस्से में लग रहे हो। ओ भाई बात सुन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, चल निकल जाए यहाँ से। पता है यार तेरी सारी परेशानी पैसा होती है। हाँ है तो ला, 500 रुपए का नोट दे, अभी पता चल जाएगा कंगले फकीर कहीं के। दे तुझे रईस बना सकता हूँ। अबे जा, मुझे रईस बना कैसे? बाबा देख रहा सामने, वो बनाया तुझे रईस। अबे वो तो मुझे खुद कंगला फकीर लग रहा है, भीख मांगने वाला। चेक करते हैं। अच्छा पक्का? वो कैसे करेगा मगर बता तो सही पहले मुझे। उसके पास मेरे पास आ रहा था, मैंने तेरे घर भेज दिया। ये उसी ने दिए तेरे पास? पैसे वैसे कहां है? पैसे वैसे देना, मतलब पैसे वैसे हैं तेरे भाई? नहीं छोड़ना, मुझे क्यों ले रहा है? अच्छा चलो 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 जल्दी आ देखे। चलो बाबा ये लेके जाएगा अपॉइंटमेंट, ठीक है? ओके बाय। अबे लकी 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 मेरी बात तो सुन। लकी तो भाग गया बाबा जी। ठीक हो बाबा जी? मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मगर तुम्हें मैं रखूंगा कहां पे? अगर घर लेके गया तो मम्मी जी बोलेंगे मैं तुम्हें छत पे क्यों लेकर आया। छत पे रखूंगा बाबा जी, मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। ठीक है बाबा, लेकिन एक छोटा सा काम है, आपको छत पे रहना पड़ेगा। बाबा जिसके सर पे छत नहीं होती उसके लिए छत पे रहना भी बहुत है। हाँ। पक्का? पक्का। ठीक हो गया, चलो आगे बाबा जी। आ जाओ, इसको ना बजाओ, आराम से इसको मत बजाओ, यहाँ छत पे जाके आराम से रहो अब तुम। अरे बाबा आराम से, तो तुम ऐसे कह रहा है जैसे तुमने उधर एसी लगाया है मेरे लिए। तो छत पे एसी कौन लगाता है, अब जो भी वहीं जाके रहना होगा। हाँ ठीक है बाबा, गुजारा तो करना पड़ेगा। और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। हाँ ठीक कहा तुमने। खैर अब आप ऊपर जाके बैठे, मैं आपके लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अच्छा बाबा बात सुनो, खाने में क्या है? अब वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि आज खाना मैंने तो नहीं बनाया। अच्छा मालूम कर लेना, मुझे तेल पसंद नहीं है, तेल खाना मेरे लिए मना है, और मिर्ची भी हल्की हो, और हाँ बूटियाँ ज्यादा होनी चाहिए। है अच्छा ठीक है। अच्छा छोड़ो बच्चा, पानी ले आना ठंडा, हो सके तो कूलर में, क्योंकि कूलर में पानी देर तक ठंडा होता है। और बात सुन,
अगर कोल्ड ड्रिंक हो जाए तो मजा आ जाएगा। और भी कुछ चाहिए क्या? अच्छा बासु, चाय तो मैं थोड़ी देर के बाद पी लूंगा। ठीक है ठीक है, ऊपर जाए। अच्छा, अच्छा तुम जाओ, अच्छा तुम जाओ। ओ भाई क्या कर रहा था भाई तू ऊपर, वो भी दिन में? पानी की टंकी देखने गया था ससुर जी। तो पानी तो आ रहा है, फिर देखने की क्या जरूरत थी? प्यारे मियां बता रहे थे कि पानी नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा मैं टंकी चेक कर लूं पानी है कि नहीं, अब बस वही देखने गया था। अच्छा पक्की बात है ना, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है तू? मैं पानी लाने। किसके लिए पानी भाई? गर्मी देखी ससुर जी आपने, मैंने सोचा परिंदों के लिए पानी और बाजरा रखना चाहिए ना। अब लड्डू तुझे इंसानों का ख्याल नहीं आता, ये परिंदों का ख्याल कहाँ से आ गया भाई? हाँ वो छत पे गया था ना तो ख्याल आया। अच्छी बात है अच्छी बात है, जाओ जाओ लेके आओ पानी। हाँ? जाओ जाओ। हाँ? चलो ना। ये दाल में कुछ काला है, ये लड्डू मरते हुए इंसान को पानी ना पिलाए, ये परिंदों को पानी पिलाने जा रहा है। मालूमात करनी पड़ेगी भाई इसकी, इसका पता करना पड़ेगा भाई, पता तो करना पड़ेगा भाई। अरे खा पी के फैल गए। अरे उठो बाबा, बाबा उठो, बाबा उठो। हाँ बाबा क्या हो गया, छापा पड़ गया क्या? छापा क्यों पड़ेगा बाबा, ये घर है, सीपीओ नहीं है। अरे बाबा तो फिर क्यों उठाया? ये जो बर्तन यहाँ पे रखे ना, इसमें जो खाना था जो आपने खाया है, मैं ये पूछना था वो खाना कैसा था? बाबा बहुत अच्छा खाना था बच्चा, मजा आ गया। अच्छा तो ठीक है मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। हाँ बाबा। बाबा शाम होने वाली, अब तो चाय तो पिला दो। बाबा ये घर है, हॉस्टल नहीं है। अच्छा हॉस्टल नहीं है? नहीं। चलो अच्छा ठीक है लाता हूँ। चाय भी पिलाऊंगा। ये वाला देखो, इधर आओ इधर आओ। जी मामी जी कहाँ थे तुम? मैं वो गया था। लड्डू इतनी गर्मी में तुम छत में क्या कर रहे थे? अरे मम्मी जी वो परिंदे हैं ना, मैं उनको खाना और पानी देने के लिए गया था। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर गर्मी दिमाग को चढ़ गई तो क्या होगा, घर का काम कौन करेगा? मामा मुझे तो लग रहा है कि ये छत में जाके ना किसी लड़की से बात करता है। बिल्कुल सही कह रही हो हनी तुम, जितने भी छुप छुपा कर करने वाले काम होते हैं ना सब छतों पर ही होते हैं। मम्मी जी हनी आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं हम लोग ना बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप लोगों को मेरा यकीन नहीं आ रहा ना, आप ससुर जी को बुलाएं और बुलाकर उनसे पूछें, उनको तो सब पता है। ससुर जी जल्दी आओ ना। अरे क्या बात है, क्या हुआ क्या? अरे ससुर जी मेरी बात सुनो। ससुर जी मैं छत परिंदे खाना पानी समझे बोल। देखा, और ये लोग मुझे शक्कर है। क्यों क्यों? मामा मैंने काम करती हूँ, मैं इसको कमरे के अंदर लेके जाती हूँ और इसका मोबाइल चेक करती हूँ, देखिएगा 10-15 लड़कियाँ तो निकल ही आएंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम्हारी, इसको कमरे में लेकर जाओ और अच्छी तरह इसके मोबाइल की तलाशी लो, अगर कुछ नजर आए ना तो मुझे बताना, खबर लूंगी मैं इसकी अच्छी तरह। ठीक है चलो। हाँ मैं जाता हूँ, मेरे फोन में तो कुछ मेरे साथ चलो लड्डू। कुछ लड्डू कुछ है ही नहीं। क्या मसला है आपके साथ, क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं। आपको नई साजिश चल रही होगी दिमाग में? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, चलें आप भी अपना मोबाइल चेक करें, आइए। यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करें क्या? ये लड्डू बार बार जो छत पे जा रहा है, ये क्या चक्कर चला रहा है? अपना वक्त भूल गया जब छत पे छुप छुप के सुट्टे मारने जाता था।
तो जितना आप लोग मुझे जलाते थे तो कहीं ना कहीं तो धुआं निकालना था ना मुझे। हंसे और जोर से हंसे, मजबूरियों पे हंसना ही आता है आपको हमेशा से। अरे यार ये तुम मानोगे नहीं भाई, लड्डू 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 लड्डू। अरे क्या हो गया ससुर जी, क्या हो गया? लड्डू घर में सेब आ गया। सेब है? सेब सेब रखे फ्रिज में। वो सेब नहीं यार। अरे कोई नहीं है क्या? देख लिया कोई आसेब नहीं है घर में? यार कैसी बातें कर रहा है यार। मैं ऊपर गया तो मैंने आसेब देखा, ऊपर था माला है पहला वो अजीब आसदेह की शक्ल वाला आदमी मलंग टाइप ऊपर। अरे ससुर जी आसेब नहीं है घर में। अहे तुझे कैसे बता, मैंने देखा है ऊपर। यार मैं बताता हूँ, चलो आओ आओ चलो मैं बताता हूँ। आए ससुर जी आए। आए बाबा जी। अबे लड्डू तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया यार? अरे ससुर जी एक बार मेरी बात सुन तो लो। मुझे यकीन नहीं है भाई। अरे यकीन नहीं है? एक मिनट बाबा जी। हाँ। ससुर जी को वो अंगूठी दिखाओ। ये है वो अंगूठी। दो मत। वाकई यार लड्डू है ना? अरे यार ये तो सच है यार, बिल्कुल यार। अरे ससुर जी बस इसीलिए मैंने ये सारी खिदमत करी है। अच्छा एक काम कर, इसको यहाँ से फौरन रफू चक्कर करो, वरना तुम्हारी मम्मी इससे बुरा हुलिया कर देंगी हमारा। सही कह रहे ससुर जी। बाबा जी देखे मैंने आपकी कितनी खिदमत करी ना, है ना? खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सारा काम किया। अब आप एक बार ये अंगूठी मुझे दे दे और मैं अपने काम पूरे कर लूं, फिर उसके बाद आप चले जाना। हाँ। ठीक है ना? ठीक है बच्चा, तुझे तेरी मेहनत का सिला मैं जरूर दूंगा, पर एक बात याद रखना, ये तेरे सिर्फ एक दफा काम आएगी बस, उसके बाद तेरे किसी काम नहीं आएगी। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बात सुन, इस अंगूठी का क्या करेगा भाई तू? ये तो मैं आपको नीचे चल के बताऊंगा मैं इसका करूंगा क्या। नहीं भाई नहीं, मैं जा रहा हूँ काम से, ये तो खुद ही देख भैया। हाँ ठीक है, चलो चलो ससुर जी। हाँ। आ जाओ चलो मेरे साथ। वाह 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 वाह, ये अंगूठी से तो मैं सबसे पहले मम्मी जी के और हनी के जेवरात चोरी करूंगा। हाँ लेकिन एक बार मैं इसको चेक तो कर लूं, ये सही से काम कर रही है या नहीं। सबसे पहले हनी पे चेक करूंगा। हनी हनी हनी। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद, चूहे बिल्ली का है खेल, आज के हो जाए आजाद। ये तो काम कर रही है नहीं पे। लेकिन मम्मी जी पे चेक करना भी बहुत जरूरी, उनके सामने तो हर चीज फेल हो जाती है। मम्मी जी को ये तो बेहतरीन काम कर रही है। थोड़ी देर में अपने सारे काम पूरे करूंगा, लेकिन सबसे पहले बाबा को गलती करता हूं। अरे आपका आगे कभी काम हो गया? वो कैसे? अभी बताता हूँ। अरे वाह लड्डू मियां वाह, इनके साथ। अरे क्या पार्टनरशिप में काम शुरू हो गया क्या? क्या आप बेकार की बातें कर रहे हो प्यारे मियां? तुमसे वैसे भी एक बहुत अहम बात करनी है मुझको। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। पहले भी मेरी बात सुनो, है कुछ समझ में? ना ना ना, ना भी नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इनको अपने साथ
लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा ये देखो चलो ठीक है, बाबा को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आए बाबा जी, आए 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 चले जा। एक मिनट लड्डू यार, वो अंगूठी तो मुझे दे दो ना। वो अंगूठी अब तुम ले जाना, मुझे एक काम निपटाना है, उसके बाद ये अंगूठी तुम्हारी, तुम ले आना। ठीक है। अच्छा तो कितनी देर में आऊँ? बस थोड़ी देर में। चलो ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। आए बाबा जी, आए 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 आए। तब तक मैं काम तो निपटा लूं। अम्मा वो नौजी तो नहीं कर रही, नकाहत तो नहीं हो रही, ट्रैफिक पे चक्कर तो नहीं आ रही, सांस घुट रहा है। जो कुछ तुम लोग कह रहे हो ना, इसमें से मुझे कुछ भी ज्यादा तो क्या कम भी नहीं हो। गुलाब जरा सी आवाज मुझे कीजिए, तंबू बनाते और सस्ती प्ले, जरा सी आवाज कम कर, खुशी के मौके पे जरा ज्यादा बना ले। ठीक है ठीक है ठीक है। ओए होए लड्डू कहाँ जा रहे हो और इस बैग में क्या है? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद, चूहे बिल्ली का है के। चुप रहो बेगम, आपके जेवर इस बैग में। मेरे जेवर? हनी तुम्हारे जेवर इस बैग में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कितने आराम से यहाँ बैठे हो। लाओ मेरी अंगूठी दो, अंगूठी दो इधर। किसी काम की नहीं है अंगूठी। बात सुनो, इधर देखो, इधर बेवकूफ बनाना किसी और को, मुझे शराफत से अंगूठी दे दो, वरना वरना बता रहा हूँ मैं। वरना वरना ये लो पकड़ो, उंगली में सूझ गई। लेके जा, किसी काम की नहीं, लेके जा। काम की नहीं है, अब मजा आएगा ना प्यारे मियाँ, शाबाश। बाबा जी भाई बहुत हो गई आपकी खिदमत, अब जरा मैं अंगूठी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बेशक। एक मिनट, ये बताएं कि मैं आपको दिख रहा हूँ? आप नहीं, आप तो बिल्कुल गायब हो गए, किधर चले गए? क्या मैं वाकई आपको नहीं दिख रहा? बखुदा आप यकीन जाने, मलंग कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है ठीक है ठीक है, बाबा जी आप यहाँ बैठे, मैं अभी अपना काम निपटा कर वापस आता हूँ, अंगूठी आपको दे दूंगा। मैं अभी आया। पहले तो मैं उस पुलिस वाले को दो थप्पड़ लगाता हूँ, बहुत पब्लिक को तंग किया हुआ है। ओए जाइए। क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? ओए कानून अंधा जरूर होता है लेकिन नबीला नहीं होता। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं बताता हूँ। ये बात है। और किधर है वो ढोंगी बाबा? वो बाबा पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा एक तो पुलिस पे हाथ उठाता है, ऊपर से झूठ बोलता है। अच्छा ऐसी की तैसी। अबे ऐसा क्या आ गया अखबार में? ससुर जी पैसे कमाने का तरीका? कितने पैसे लगेंगे लड्डू यार? फी घर 10,000 रुपए लगे। तुमने काम खुद पकड़ा हुआ? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। ओ फिर तो मैं पैसे डाल लूंगा भाई। पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है और आप लोग अनजान बन रहे हैं। अरे प्यारे भाई मेरा ख्याल है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई। अबे बाहर पुलिस आई हुई है, कोई गड़बड़ है क्या?
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।